तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है कि बिजली बिल का स्टेटस चेक करने के लिए, जैसे मान लिया कि अगर आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किए तो उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है कि क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है, या आपके पास स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप या पीसी किसी पे भी आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। आपको जो है कि क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है NBPDCL, अगर आप बिहार से हैं तो चलिए यहाँ पर NBPDCL हम सर्च कर लेते हैं। जब भी आप सर्च कर लीजिएगा तो उसके बाद में इसका वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको जो है कि फर्स्ट वाला क्विक बिल पेमेंट, इसको छोड़कर नीचे वाला जो सेकंड वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है NBPDCL.CO.IN, यानी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LTD। तो आपको जो है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LTD इसको जो है कि ओपन कर लेना है। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन कीजिएगा तो बस कुछ सेकेंड के लिए आपको प्रोसेस होगा, वेट कर लेना है। चलिए वेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस आपको जो है कि इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है कि बस इसको थोड़ा सा जो है कि नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। चलिए हम ड्रैग कर लेते हैं। यही ड्रैग कीजिएगा तो आपको जो है कि यहाँ पे एक जो कि फॉर लेटेस्ट टेंडर क्लिक हियर, यहाँ पे एक जो है कि इस तरह से मैसेज ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो बस अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आ जाना है, और यहीं पे आ जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले छोड़ के नीचे वाले सेकंड वाले फॉर सुविधा कंज्यूमर एक्टिविटीज क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जब ही क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से ये जो है कि प्रोसेस होगा, तो बस आपको कुछ सेकेंड वेट कर लेना। चलिए वेट कर लिए। वेट कर लेने के बाद ये जो है कि ओपन हो जाएगा पूरी तरह से, इस तरह से ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है कि कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नए विद्युत संबंध हेतु आवेदन करें या अपने नया भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना होगा, नया भी अप्लाई कनेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना है अपने नए विद्युत संबंधित आवेदन की स्थिति जाने, यहाँ पे LTD है, और नीचे वाले भी जो है कि सेम यहाँ पर बताया गया है तो HT है। तो आपको HT नहीं बल्कि घरेलू के लिए आप जो है कि आवेदन किया है, तो आपको LTE वाले को चूज कर लेना। चलिए हम LTE वाले पर क्लिक कर देते हैं। आप LTE वाले पर क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से ये जो है कि प्रोसेस होगा। चलिए प्रोसेस हो रहा है, कुछ सेकंड जो है कि इसको जो है कि प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, और ये जो है कि आपके नेट के स्पीड के ऊपर जो है कि ये डिपेंड करता है किस तरह से आपका नेट काम कर रहा है। चलिए इसका इंटरफेस आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इंटर रिक्वेस्ट नंबर, तो आपको रिक्वेस्ट नंबर जो मिला होगा अप्लाई करते समय वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए जो हमारा जो रिक्वेस्ट नंबर मिला हुआ है हम उस रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर हम डाल दिए। डाल देने के बाद में व्यू स्टेटस आ क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको व्यू स्टेटस कर देना है क्लिक। चलिए हम क्लिक करके नेक्स्ट कर दिए। बस अब जो है कि आपका जो आप अप्लीकेशन आवेदन किए हैं न्यू कनेक्शन के लिए क्या स्थिति है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कि खाली खाली था, इसमें सब जो है कि ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है, यानी पूरा यहाँ पे यानी लास्ट तक हो गया है। तो ये जो है कि 100% कंप्लीट हो गया, यानी जो रिक्वेस्ट नंबर मिला हुआ था, जो अप्लाई हुआ है कनेक्शन के लिए, वो कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे पूरा तरह से कम्प्लीट हो गया। अगर आपको जो है कि यहाँ पर रिजेक्ट वगैरह मारा हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड पर जाकर यहाँ पर रिजेक्ट मार देगा, इसके आगे नहीं बढ़ा हुआ रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो कि कनेक्शन के लिए जो अप्लाई किए हैं वो जो है कि रिजेक्ट हो गया है। और उसका जो भी स्टेटस वगैरह होता है आप देख सकते हैं नीचे। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दिए। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर देता है, यहाँ पे कितने यहाँ पे KV का आप जो है कि अप्लाई किए हैं, क्या लोड होगा उसका, कितना फेस के लिए किए हैं। सबसे नीचे वाले में आपका फुल एड्रेस यहाँ पर शो कर देगा, उसके नीचे यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाना है रिक्वेस्ट नंबर के नीचे। देखिए यहाँ पर विद्युत उपभोक्ता बनने के लिए आपका धन्यवाद, आपका उपभोक्ता संख्या यहाँ पर इतना है, यानी कंज्यूमर नंबर भी यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो बस इस तरह से दोस्तों आप जो है कि आपने जो है कि स्टेटस चेक कर सकते हैं बिजली के लिए न्यू कनेक्शन के लिए जो अप्लाई किए उसका। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे नीचे अगर रिजेक्ट रहेगा तो यहाँ पे रेड मार्कर से यहाँ पे लिखा हुआ जगह है रिजेक्टेड, या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कि बिजली कनेक्शन के लिए जो न्यू अप्लाई किए उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस चलिए दोस्तों मैं अपने वीडियो को आज यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।